गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस न्यू टॉपिक वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें जो टॉपिक है अपना नया टॉपिक वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन है। ठीक है, जो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, वह लास्ट वीडियो में जो अपने बात की थी वो थी कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स, उसमें आपने उस टॉपिक पर पढ़ा और इसके अलावा इसके फैक्टर अफेक्टिंग पढ़े। और फैक्टर अफेक्टिंग में क्या है कि जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है इस पर आपने हेनरी लॉज का भी आपने पढ़ा है। ठीक है, तो आज जो अपन बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसमें जो अपने बात कर रहे हैं तो ये रियल में होता है क्या है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या है कि कोई भी लिक्विड है या कोई अपने ये बोल दे कि सॉल्यूशन है, ठीक है, कि वो क्या करता है कि एक वेपराइज होने के रीजन से क्या करता है कि एक प्रेशर एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, वो प्रेशर एक्सट्रैक्ट कर होता है वो क्या होता है उसके इक्विलिब्रियम के इक्वल में होता है। ठीक है, और ये क्या है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि क्या होता है कि अपन एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर में कुछ क्या है कि लिक्विड अपने फिल कर लेते हैं, लिक्विड सोल्यूशन अपने वाटर ले लिया। ठीक है, अब क्या है कि जब अपन उसको हीट करते हैं या उसको ओपनली रख देते हैं एयर में तो उसमें क्या होता है कि वाटर का वेपराइजेशन होता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। लेकिन क्या हो कि इस कंडीशन में तो क्या है कि अगर कंटेनर क्या हो कि ओपन हो तो इक्विलिब्रियम वहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक है ना, लेकिन क्या हो कि अगर कंटेनर को अपन क्या कर दें, क्लोज कर दें। ठीक है, ऊपर से कंटेनर पर अपन क्या लगा देते हैं, एक ढक्कन लगा देते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो वेपर है उस वेपर के लिए क्या होगा कि एक क्राइटेरिया हो जाएगा, सर्टेन क्राइटेरिया हो जाएगा, निश्चित एरिया हो जाएगा। ठीक है, उस निश्चित एरिया में क्या होगा कि जब वाटर वेपराइज होगा तो वो क्या होगी कि जो वेपर है वो वेपर क्या है कि उस कंटेनर के जो स्पेस है, जो उसमें वैकेंट स्पेस है उन्हीं में रहेगी। और स्लोली स्लोली क्या होगा कि वहां पर कंटेनर में क्या होगा कि वेपर के लिए क्या नहीं मिलेगी कि जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो उस टाइम क्या होगा कि जो वेपर है वो वेपर क्या है कि उस वेपर का कंडेंसेशन होगा। ठीक है, कंडेंसेशन मीन क्या है कि उनके जो गैसेस पार्टिकल्स है वो आपस में क्या होंगे कि आपस में कंबाइंड होंगे, और कंबाइंड होकर के क्या है कि वापस से किस में आएंगे, अपनी ऑलरेडी स्टेट में, यानी कि पहले वाली स्टेट में आ जाएंगे, यानी कि लिक्विड स्टेट में आएंगे। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो वाटर वेपर है उसका कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन से क्या होगा कि वो पार्टिकल, गैसियस पार्टिकल वापस से किस में, लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, वहाँ पर एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपन यही बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कंडेंसेशन और इवेपोराइजेशन जो होती है वो क्या है कि एक दूसरे के ओपोजिट रिएक्शन है, एक तरह से ओपोजिट क्रिया है। ठीक है, क्योंकि एक में क्या होता है कि वो गैसियस स्टेट में आता है, कंडेंसेशन में क्या होता है कि वो गैसियस स्टेट से वापस से किस में आता है, लिक्विड स्टेट में आता है। तो जब एक क्राइटेरिया फिक्स हो जाता है तो उस कंडीशन में इनमें इंटर कन्वर्ट होने लग जाएगा, इंटर कन्वर्ट होगा तो यानी कि क्या होगा, एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आप इसमें वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड और सॉल्यूशन इज द प्रेशर एक्सटेट बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम मीन आप समझ गए होंगे मैंने क्या बताया आपको, विद द लिक्विड या और सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या है, वेपर प्रेशर। ठीक है, अब क्या आती है नेक्स्ट, जो इस पर बात आती है, जो अपने बात की कंडेंसेशन और इवेपोरेशन पर, तो इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर ओपोजिट रिएक्शन टू ईच अदर। ये दोनों रिएक्शन क्या है, ये एक दूसरे का ओपोजिट है, कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसमें तो क्या है कि भाई इवेपोरेशन में तो जैसे लिक्विड है यानी कि वाटर है,
तो गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन कंडेंसेशन में क्या है कि वाटर वेपर वापस से किस में कन्वर्ट होती है, उसके लिक्विड स्टेट में यानी वाटर में कन्वर्ट होती है। ठीक है, व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी कि दोनों का रेट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम इज स्टेबिलाइज्ड। ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा भाई, दोनों का सिस्टम क्या है, इक्वल होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है यहाँ पर, कि दोनों रेट, यानी कि जो अपन कोई भी केमिकल रिएक्शन पर बात करें तो उसकी बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, अगर वो इक्वल हो जाती है तो उस कंडीशन में वहां पर क्या बोलते हैं कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको साम्य, साम्य स्थापित हो गया है, यानी कि इक्विलिब्रियम इज स्टेबिलाइज। ठीक है, तो ये इस पर बात थी। अब जो बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, इस पर जो वेपर प्रेशर है उस पर अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वेपर प्रेशर यानी कि इट मीन यहाँ पर क्या है कि अपन क्या करते हैं कि अपने एक सोल्यूट और एक सोलवेंट लेते हैं, यानी कि एक सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन में क्या है कि अपने कुछ ऐसे पार्टिकल्स या पार्टिकल्स मीन्ट यानी कि यहाँ पर सोल्यूट जो है वो सोल्यूट अपन इस तरह का डिजोल्व करते हैं कि जो क्या है, नॉन वोलेटाइल है, यानी कि नॉन वेपराइज्ड है। ठीक है ना, कि जो वाष्पित नहीं होता है। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जब ये ऐसे पार्टिकल्स सॉल्यूशन में अपने मिक्स कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो वेपराइजेशन की रेट ऑफ वेपराइजेशन है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है ना भाई, लेसर हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। उसका रीजन क्या होता है कि भाई क्या होगा कि जब जो सॉल्यूशन है भाई वेपराइज्ड है और उसमें अपने नॉन वेपराइज्ड पार्टिकल्स यानी कि सोल्यूट उसमें मिक्स किया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो वेपराइज पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे कि इस भाई सरफेस से, देखो वेपराइजेशन जो होता है वो सरफेस से होता है। ठीक है, तो सरफेस से क्या होंगे कि पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होते जाएंगे, यानी कि वो वेपराइज होते रहेंगे कंटिन्यूअस। अब क्या होगा कि जो लिक्विड सरफेस है, ठीक है ना, उस लिक्विड सरफेस पे क्या होगा कि वहां पर वेपराइज होने से क्या होगा कि जो सोलवेंट है, सोलवेंट के पार्टिकल्स का नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। ठीक है ना, लेस हो जाएंगे। लेकिन वहां पर क्या है कि जो सोल्यूट है उसके पार्टिकल का नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। तो जो सोल्यूट है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है, या अपन ये बोल दें नॉन वेपराइज्ड है, तो उसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, उस केस सरफेस पर क्या हो जाएंगे, एक लेयर बना देंगे, और उस लेयर के रीजन से क्या होगा कि जो रेट ऑफ वेपराइजेशन है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। इस टॉपिक में आप यही पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आप इसमें, इफ सम नॉन वोल्टाइल यानी कि वेपराइज, ठीक है, वोल्टाइल या आप वेपराइज कोई वर्ड ले सकते हैं, यहां पर सोल्यूट इज एडेड टू द सोलवेंट देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन बिकम लेसर, क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, इसका यहां पर क्या रीजन होगा, देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सोलवेंट। ठीक है, कि जो प्योर सोलवेंट अपन ने मिलाया वो कौन सा है, नॉन वेपराइज्ड है, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो यहां पर जो अपने अब बात करेंगे आगे, इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट इज पी जीरो, इसको किसे डिनोटेड कर रहे हैं, पी जीरो से, प्योर सोलवेंट प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट इज पी जीरो। ठीक है, एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज पी, देन लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या है, पी माइनस पी जीरो माइनस पी है। ठीक है, कि जो प्रेशर में जो कमी हो रही है वो किसके इक्वलेंट होगी, कि जो सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट प्रेशर है और माइनस क्या है कि सॉल्यूशन का जो प्रेशर है, ठीक है ना, वेपर प्रेशर। इट कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड एज द इवेपोरेशन इन ए इज ए सरफेस फिनोमिनन। ठीक है, सरफेस फिनोमिनन जो मैं आपको ऑलरेडी एक एक्सपेरिमेंट में बता चुका हूँ, ये कि क्या होता है कि जैसे आपको एक डायग्राम शो करते हैं अपन, ये डायग्राम आपको शो हो रहा है यहाँ पर, इस डायग्राम में क्या है
कि भी जो प्रेशर है उसको यहाँ पर बता रहे हैं कि भी क्या क्या कह रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं भी अपन कोई भी एक अपने एक कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर में कोई सॉल्वेंट फिल है, ठीक है, भरा हुआ है, ठीक है। अब आपके एक सिंपल से या इसकी बुक से थोड़ा सा अलग से बता रहा हूँ, एक सिंपल तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भाई ये एक सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन में क्या है कि अपने नॉन वोल्टाइल यानी कि नॉन वेपराइज्ड सॉल्यूट क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, मिक्स कर दे या क्या कर दे, ऐड कर दे, अपन क्या बोल दें, मिक्स या ऐड किया। तो अब क्या है कि जब इसमें वेपराइजेशन होगा भाई, इस सॉल्यूशन में क्या होगा, वेपराइजेशन होगा, क्योंकि वेपराइज वाले जो लिक्विड है वो तो वेपराइज होंगी होंगी। तो इस कंडीशन में यहाँ से क्या होगा कि इस सरफेस एरिया से यानी कि इस लिक्विड के सरफेस एरिया से क्या होगा कि जो सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल क्या होते जाएंगे, वेपराइज होते जाएंगे, ठीक है। अब जो अपन ने यहाँ पर सोल्यूट यहाँ पर ऐड किया है तो इस सरफेस पर क्या होगा कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ पार्टिकल सोल्यूट पार्टिकल्स क्या होंगे कि यहाँ पर सरफेस पर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है, इंक्रीज होंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इस सरफेस पर कि जो नॉन वोल्टाइल है, ठीक है, नॉन वोल्टाइल या नॉन वेपराइज्ड है, उनकी क्या है कि यहाँ पर क्या बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी, लेयर फॉर्म हो जाएगी। और उस लेयर के रीजन से क्या है कि जो रेट ऑफ वेपराइजेशन है वो क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको यही बता रहे हैं, यहाँ पर क्या है कि एक अपने बेल जार से इसको क्या किया है, कवर्ड किया है, ठीक है, जिससे इस पर वेपर प्रेशर, ये देखो बैलेंस, इनिशियल स्टेट यानी कि दोनों की इक्वल स्टेट है, ठीक है। अब ये तो है सोल्यूशन पर, सॉरी सोलवेंट पर, और ये किस पर है, सोल्यूशन पर। तो सोलवेंट पर क्या है कि वेपर प्रेशर क्या है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यही से अपने किसमें, एक्सपेरिमेंट में आपको बता रहे। देखिए अब यहाँ पर इट कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड एज द इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिनन। क्या है सरफेस फिनोमिनन, जो अभी मैंने आपको बताया है। इन दिस प्रोसेस द मोलिक्यूल ऑफ सोलवेंट आर कन्वर्टेड इनटू द वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है, ये बात मैंने आपको बोली है कि वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है, सरफेस जो लिक्विड की सरफेस है वहां से क्या होगा, वेपर बनेगी, ठीक है। सम सरफेस एरिया ऑफ सॉल्वेंट इज कवर्ड बाय द नॉन वोल्टाइल, ठीक है। अब सरफेस एरिया का क्या है कि कुछ एरिया किससे कवर्ड हो जाएगा, नॉन वोल्टाइल यानी कि नॉन वेपराइज्ड, या अपने यहां बोल दें कि जो आपने सोल्यूट मिक्स किया है उस सोल्यूट से क्या हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा। हैंस द नंबर ऑफ, हैंस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट विच आर गोइंग टू वेपराइज वेपर वेपर्स फ्रॉम डिक्रीज ड्यू टू दिस द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि डिक्रीज होने का रीजन क्या है कि इसकी जो सॉल्वेंट है, सोल्यूट है, या अपन ये बोल दें कि जो नॉन वोल्टाइल पार्टिकल्स है उनसे क्या बन जाएगी, सरफेस पर एक क्या बन जाएगा, लेयर बन जाएगी, ठीक है। इन द सेम कंटेनर इफ एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, क्या करे कि टेम्परेचर क्या रखे, कॉन्स्टेंट, ठीक है, देन द सरफेस ऑफ सोलवेंट गो डाउन बिकॉज ऑफ हाई वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू द सरफेस ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, कि इस पर क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा किसके कंपेयर, सोल्यूशन, ठीक है। अब इस पर जो बात आएगी नेक्स्ट वो आती है द रिलेशन बिटवीन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वाज गिवन बाय राउल, ठीक है ना, कि जो राल्फ का जो लॉ है इसके अकॉर्डिंग अपन यहां पर अब बात करेंगे।
जो रावले है, तो रावले का जो लो है, इस रावले रावले ने क्या है कि जो ये रावले साइंटिस्ट है, इसने क्या है कि इनमें जो रिलेशनशिप है, यानी कि जो रेट ऑफ वेपराइजेशन है और जो प्रेशर है, ठीक है, इसके बीच क्या है कि इन्होंने एक रिलेशनशिप क्रिएट की है और उस को आप अपने को क्या है कि एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो राउल्फ लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ वॉलेट वॉलेटाइल सोल्यूट, ठीक है, कि जो क्या है कि वेपराइज होने वाले सोल्यूट है उनके ऊपर क्या है कि राउल्फ का रो किस तरह से लागू होता है। तो यहाँ पर जो अपन बात करेंगे, इस लॉ में क्या होता है कि कोई भी जो पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स क्या है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होते हैं कि उन पर क्या होता है कि पार्शियली प्रेशर बनता है, ठीक है। पार्शियली प्रेशर से क्या होता है कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि उनके मोल फंक्शन के प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली क्या होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। इसने जैसे बताया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू रावले लॉ फ्रॉम सच सॉल्यूशन, ठीक है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन, ठीक है। तो इस पर क्या है कि इसके क्या होता है कि ये क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये क्या है, रावले लो है, ठीक है। अब जो बात आती है कि रावले लो को अपने क्या है कि एक तरह से ड्राइव करेंगे यहां पर, तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ही कंसल्ट करूंगा, क्योंकि फिर टाइम शॉर्ट हो जाएगा अपना, टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा जो अपलोड करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इस पर क्या है कि डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।